नमस्कार स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेडिएंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो कि हमारे सब्जेक्ट कोड मैकेनिकल के 303 का एक टॉपिक है। हमारा सब्जेक्ट कोड 303 थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर में हमारा यह एक टॉपिक है, रेडिएंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वेव, जिससे हम उसके कर्व से समझेंगे। इन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, तो हमने यहाँ पर एक बॉडी कंसीडर की है, यह जो बॉडी है हमारी वो ब्लैक बॉडी है। तो हम इसके थ्रू आज पर देखेंगे कि जो हमारी रेडिएंट एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो हम आज यह भी देखेंगे कि किस तरह से वेवलेंथ बनता है, वह किस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी एक ब्लैक बॉडी है, इसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वह टी नॉट होता है। इसकी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो टी नॉट है, और इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टी है। तो जो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर टी है वो मच मच ग्रेटर देन है टी नॉट से, तो यह कंडीशन हमारे पास है। तो जो हमारा टी है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मच मच ग्रेटर देन है टी नॉट से। तो ज़्यादा टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का, तो जो एनर्जी रेडिएंट करेगी सराउंडिंग में वो उससे वेवलेंथ निकलेगी, उस बॉडी से एनर्जी रेडिएंट करेंगी उसके सराउंडिंग में। तो जो एनर्जी रेडिएशन यहाँ निकल रही है, तो जब भी कोई ब्लैक बॉडी रेडिएट करती है हीट एनर्जी अपनी या थर्मल एनर्जी, तो उसमें हर तरह की वेवलेंथ, जो भी पॉसिबल वेवलेंथ है उसकी रेडिएशन की, वह एमिट करेगी। एमिट करना मीन्स बाहर की तरफ रेडिएशन का निकलना। जैसे ये ब्लैक बॉडी है, उसमें से ये रेडिएशन एमिट कर रही है किसी वेवलेंथ के रूप में, तो जिसे हमने लैम्डा 1, वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अलग अलग रेडिएशन एमिट कर रही है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, अप टू लैम्डा इनफाइनाइट तक। तो इसमें हम मानते हैं कि जो आइडियल केसेस होते हैं ब्लैक बॉडी में, तो उसमें 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे केस होते हैं। तो हम मानते हैं कि यहाँ यह कई तरह के वेवलेंथ रेडिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करते हैं जिसका स्पेक्ट्रम मीन्स ग्राफ बना हुआ है। हम किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा की बात करते हैं जिसका यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है। तो हम किसी एक वेवलेंथ की बात करते हैं जो कि लैम्डा है, यहाँ पर हमने एक वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर देखिए हमारा लैम्डा है, और वाई एक्सिस पर हमारी रेडिएशन एनर्जी है, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों के बीच एक कर्व बनता है जिसे हम इंटेंसिटी का कर्व भी कहते हैं। एरिया अंडर द कर्व क्या आएगी? हमारी इंटेंसिटी आएगी। तो देखिए आप, जो हमारी ये एनर्जी है, इंटेंसिटी जो है वो हमारी पहले इंक्रीज हो रही है, वह मैक्सिमम पॉइंट पर आकर डिक्रीज हो रही है। ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, वहाँ आकर ये डिक्रीज हो रही है। तो सेम पाथ पर तो हम देख सकते हैं कि जो पीक पॉइंट के दोनों तरफ हमें सेम दिख रहा है। पहले पीक पॉइंट पर देखिए, जो हमारी वेवलेंथ है वो पीक पॉइंट पर, जो हमारी वेवलेंथ लैम्डा है वो मैक्सिमम है। हमें पीक पॉइंट पर जो हमारी वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम मिलती है। तो जो रेडिएशन है मैक्सिमम वेवलेंथ पर, उसकी एनर्जी ई लैम्डा है। देखिए, जो हमारी वेवलेंथ है मैक्सिमम, उसकी जो एनर्जी है वो हमारी ई लैम्डा है। तो हम जानते हैं एनर्जी जो होती है, कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएट करती है तो वह रेडिएशन क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो रिलेशन होता है वो होता है ई इजिकल टू HC अपॉन लैम्डा। ई रेडिएशन जो एनर्जी है, लैम्डा वेवलेंथ है, HC ये कांस्टेंट है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। अब यहाँ हमने ग्राफ में देखा कि हमें पीक पॉइंट पर जो लैम्डा है मैक्सिमम मिला ई लैम्डा, तो जो ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम। तो
यहाँ एनर्जी जो है वो मिनिमम एनर्जी है, और अगर हम बात करें कि जो एनर्जी है वह मिनिमम है, तो वह रेडिएशन जिसकी एनर्जी कम से कम होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और इसके नीचे हम देख रहे हैं कि अगर जो हमारा ई लैम्डा डैश है, देखिए यहाँ पे ग्राफ है, हमने एक दूसरा ग्राफ बनाया है जिसकी एनर्जी ई लैम्डा डैश है, तो उसका जो वेवलेंथ होगा वह इसके वेवलेंथ से कम होगा। तो यहाँ पर जब हमने देखा एनर्जी हमारी मिनिमम थी तो हमारा वेवलेंथ मैक्सिमम था, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो हमारी जो एनर्जी मैक्सिमम है तो हमारी वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम हो जाएगी। तो इस तरह से हमें हमारी आज ये दो रिलेशन मिली। अब हम बात करते हैं यहाँ एरिया की, एरिया अंडर दी कर्व जो कि वो इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इंटेंसिटी आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी क्या है हमारी? एनर्जी। तो हियर ए इक्वल्स टू ई, ई क्या होगा हमारा? ई लैम्डा डी लैम्डा। यहाँ हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नंबर दिया है, यहाँ हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मतलब जो है हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा स्टीफन लॉ जो था कि एनर्जी जो है वो फोर्स पावर के इक्वल होती है किसी टेम्परेचर के साथ, तो हमारा जो E है वो इक्वल्स टू सिग्मा टी रेस टू पावर 4। हमने वेवलेंथ किसी एक वेवलेंथ के लिए बात कर रहे थे, अलग अलग वेवलेंथ रेडिएट हो रही थी एनर्जी की, तो यहाँ पर टी जो हमारा टेम्परेचर है वो टी 4 के लिए पावर रेडिएट हो रही है। तो पहले एनर्जी बढ़ रही है तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, मीन्स एनर्जी भी बढ़ रही है। अब वो टेम्परेचर टी 4 के लिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सो फाइनली वी कैन से दैट कि जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इक्वल्स टू ए है। तो हमारा यहाँ पर जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर 4 के होगा। तो यहाँ टी क्या है? हमारा टेम्परेचर। तो यह एरिया है वो टेम्परेचर में, तो हम मीन्स ये देखते हैं कि ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर टी 4 है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यह शो कर रहा है कर्व को। सो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन की अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी के लिए, इस केस में हम देख रहे हैं तो ई मैक्सिमम जो है हमारा हमें मिल रहा है वो हमें टेम्परेचर 4 के लिए मिल रहा है। धन्यवाद स्टूडेंट।